सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एन अनदर गेम प्ले वीडियो। एंड आज हम रेथ खेलने वाले हैं एज ए किलर। सो लेट्स बिगिन। एंड आज मैं मोरी भी लेकर आया हूँ, तो आज मैं मोरी तभी करूँगा अगर ये सर्वाइवर्स मेरी मोरी ब्रेक करते हैं। आई मीन मोरी क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मेरी टोटम्स ब्रेक करते हैं, लाइक रूइन हो गया, इफ़ दे ब्रेक माई रूइन आई एम गोना मोरी देम ऑल। सो चलो, यहाँ पे वैसे भी एक जनरेटर पे कोई काम कर रहा था। ओके फेंग मेंग, हेलो फेंग। वैसे दिखने में थोड़ी अच्छी भी दिख रही है ये फेंग। एंड या प्रॉपर 360, नाइस, अच्छा खासा 360 किया यहाँ पे। एंड विंडो वॉल्ट करेगी फेंग एज एक्सपेक्टेड। चलो ओके, कभी कभी आगे भी देख लेना चाहिए था, हमेशा पीछे देखने से काम नहीं बनता, आगे पीछे दोनों तरफ देखना चाहिए। 50-50 पैलेट ड्रॉप नहीं करा यहाँ पे, एक्सपेक्ट करी पैलेट को। मैं सोच रहा था पैल स्टन कर देगी तो मेरा नेमेसिस एक्टिवेट हो जाएगा एंड मुझे प्ले विथ योर फूड का एक स्टैक मिल जाएगा, बट ना आई डिडंट गॉट दैट। सो कोई बात नहीं, शी इज़ टू ग्रीडी, शी डोंट वॉन्ट टू ड्रॉप द पैलेट। डेड हार्ट एज एक्सपेक्टेड फंस गई, डेड हार्ट गलत जगह पे इन्हें यूज़ किया इसीलिए फंस गई। चलो एंड अपना रूइन भी उड़ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब बच कर रहना सर्वाइवर्स, मैं सबको मोरी करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं सेकेंड सर्वाइवर पे। ओके यहीं कहीं था, आवाज़ तो आया था यहीं कहीं से। ओके मैं देख रहा हूँ वहाँ पे पायलट के पास, इजी एक हिट तो लगेगा ही। ओके शी इज़ माय ऑब्सेशन, हेलो माय ऑब्सेशन। चलो मैं वापस क्लॉक कर लेता हूँ ताकि मेरा एक स्टैक आ जाए, एक स्टैक बढ़ जाए। ओके यूवी शायद बॉडी ब्लॉक करेगी मुझे एज एक्सपेक्टेड। ओके चलो कोई बात नहीं, हम यूवी को भी एक हिट दे देंगे। वापस चलते हैं अपने अपने ऑब्सेशन पे चलते हैं वापस, देखते हैं मेरा ऑब्सेशन कौन है। ये रहा, यहाँ पे मिल गई। चलो आई एम सॉरी केट, मुझे हिट करने पड़ेगा तुम्हें, हिट तो नहीं करूँगा मैं इतना जल्दी, स्टैक्स लेके फिर हिट करूँगा मैं। ओके अभी तक तो मुझे दो स्टैक्स तो मिल चुके हैं, गिव मी सम मोर स्टैक्स केट। चलो जाने दो, मैं इसको डाउन कर ही दूँगा, बहुत लंबा जा रहा है। एंड या बाजू में एक जनरेटर भी फिनिश होने वाला है, तो ठीक है एक स्टैक से काम चल जाएगा हमारा। एंड यहाँ पे भी हुक है तो कोई बात नहीं। एंड या एक जनरेटर फिनिश हो चुका है यहाँ पे, तो वापस मुझे जाके कंट्रोल करना पड़ेगा, क्लच करना पड़ेगा। वैसे ही मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। ओके जेफ अपने पास वैसे भी अभी 2 हुक्स हो चुके हैं एंड एक जनरेटर डन, नाइस। तो चलो जेफ की बारी है, पायलट कैंप जेफ, पायलट कैंप। ओह आई जस्ट फेक दिट, मैंने बस फेक किया था बेल बजाने का, आई मीन घंटी बजाने का। इंडिया एंड अभी शायद 3 हुक विथ 1 जनरेटर, तो चलो ठीक है बैलेंस तो इतना ठीक ही है। चलो लेट्स हुक हिम एंड चलते हैं वापस उसी जनरेटर पे जहाँ पे फैंग कर रही थी। मुझे क्यों लगता है फिनिश कर देगी, कर दिया फैंग ने। ओके माइंड गेम्स खेलेगी शायद फैंग ने, नाइस। मेरे को टर्न लेना चाहता था बट नहीं लिया मैंने। एक और बार कोई बात नहीं, इस बार रुको ट्राई करते हैं। ओके समझदार है फैंग, वैसे अच्छा खासा माइंड गेम खेलती है, कोई बात नहीं। वैसे भी फेंग ज़्यादा देर तक अभी नहीं टिकने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है ये फेंग। चलो यहाँ थोड़ा सा फेक करते हैं, नाइस। वो वॉल्ट नहीं करने वाली थी, पीछे मुड़ के देखने वाली थी इसीलिए। चलो ठीक है, आई एम सॉरी फेंग, गेट ओवर हियर, आई एम सॉरी योर पीपल हैव ब्रोकन माई रूइन, दैट्स व्हाई आई एम गोना रूइन योर ऑल गेम, सो गुड बाय फेंग, सी यू लेटर। तो चलो देखते हैं अब किस जनरेटर पे काम चल रहा है। सबसे पहले तो मुझे क्यों ना लग रहा है वो लास्ट वाले जनरेटर पे ही होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था यूवी को उस साइड जाते हुए, इस जनरेटर के डायरेक्शन पे जाते हुए, बट यहाँ कोई नहीं था। तो चलो इसको हल्का सा डैमेज दे ही देते हैं, बस टच ही किया था इस जनरेटर को। एंड यहाँ पर देख ही लेता हूँ, इस वाले जनरेटर पर तो कोई भी नहीं है, कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी, तो शायद आगे वाले पे होंगे, यहाँ कहीं पे भी नहीं है। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले पैलेट ब्रेक कर देता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा बहुत इजी रहे। ओके चलो मुझे यहाँ कहीं पे तो जनरेटर पे तो नहीं है, तो वही लास्ट वाला जनरेटर पे होंगे, तो चलो जल्दी जल्दी वहीं पे रश करते हैं। मे बी तीनों के तीनों सर्वाइवर यहीं हो एंड या फिनिश होने वाला है जनरेटर। ओके जेफ ने पॉप कर दिया। ओके हेलो माई ऑब्सेशन एंड यू बोथ आर लाइक जी, यू बोथ गाइज आर जी। एंड बेचारा जेफ को यहाँ हिट लग गया, फालतू में डाउन होना पड़ गया। ओके मेरा ऑब्सेशन भी यहीं पर है, भागने के अलावा वो चेस करने की सोच रही है,
चलो ठीक है, मैं भी चेस करवा दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ दो जनरेटर्स है, चलो ठीक है, अभी आराम से मैं खेल सकता हूँ ऑप्शन के साथ। कहाँ है केट? कहाँ है? ओके, केट पीछे थी विंडो पे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे होगी केट। ओके, केट दूर भाग रही है। चलो कोई नहीं, मैं तब तक जेफ को मोरी कर देता हूँ। आई थिंक जेफ वॉज द वन हु ब्रोक इन माई टोटम माई रूम। एंड यहाँ पे एक और जनरेटर फिनिश कर दिया। अब तो मुझे सच में जल्दी मतलब मोरी करना पड़ेगा, वरना मेरे हाथ से कुछ भी नहीं बचेगा। एंड हैच भी अब तक स्पॉन हो ही चुका है, तो जल्दी जल्दी मुझे क्लच बैक करना पड़ेगा। ओके, हेलो यूवी, वॉल्ट करेगी? कर दिया वॉल्ट। कोई नहीं, हम भी विंडो वॉल्ट कर ही लेते हैं, लेट्स सी। ओके, यूवी भी अच्छा खेल रही है वैसे। यूवी को किलर से एक लूप करवाना आता है। स्टन मी क्या? थैंक्स फॉर द स्टन। मुझे वो चाहिए था, स्टैक्स चाहिए थे, इसीलिए मैंने स्टन किया अपने आप को। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यूवी कहाँ गई? यूवी कहाँ गई? ओके, देयर शी इज, लेट्स बिगिन द चेज अगेन। चलो चेस चालू, नाइस। अभी मैं फिर से क्लॉक करूँगा तो मुझे मेरे स्टैक वापस मिल जाएंगे। वापस मिल गए, ठीक है, वापस से अनक्लॉक करते हैं। ओके, यूवी कहाँ है यार? यूवी मेरे को दिखती नहीं है कभी कभार। विंडो वॉल्ट, ओके, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हिट करना ही पड़ेगा। एंड आसपास से मुझे किसी का भी चिल्लाने का आवाज़ नहीं आया, मतलब यहाँ कहीं केट नहीं है। केट वॉज द लास्ट सर्वाइवर, एक बार चेक कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको हुक कर देता हूँ यूवी को। केट इसको बचाने तो आएगी ही, नहीं आएगी तो फिर नहीं आई, हैच एस्केप कर जाएगी, सिंपल। अगर बचा लेती है तो मैं मोरी कर देता, मैं कर दूंगा मोरी कर दूंगा मतलब। एंड चलो तब तक इस जनरेटर को पॉप कर देते हैं एंड जल्दी से हैच भी ढूंढ लेते हैं। किलर शैक पे तो मुझे नहीं लगता आजकल, किलर शैक पे हैच तो स्पॉन नहीं हो रहे, इसी एरिया में होगा। एंड या आई फाउंड इट, लॉकर में कोई होगा? नहीं, चलो अनुक कर दिया, नाइस। अब मैं चारों को मोरी कर सकता हूँ, कॉड मोरी हो जाएगा मेरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अब कितने लोग हैं आसपास में। बस दोनों के दोनों यहीं पर हैं। चलो फिर क्लॉक करते हैं वापस। एंड यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है यूवी को डाउन होने के अलावा। ओके, फाइनल सर्वाइवर केट। मेरा रियल ऑब्सेशन कहाँ है? मेरा रियल ऑब्सेशन कहाँ है? विंडो वॉल्ट नहीं किया इसने, यहीं कहीं होगी। ओके, यहाँ पर है, नाइस। मैं क्लॉक करने वाला था बट ठीक है, इतनी जल्दी तो कोई हील नहीं हो पाता। ओके, आई एम प्लेइंग लाइक एन बेसबॉल, आई एम स्विंगिंग इट लाइक एन बेसबॉल। चलो फाइनली दोनों डाउन। एक काम करता हूँ, मैं केट को ले जाता हूँ यूवी के पास एंड उसके सामने मोरी करेंगे। नो हुकिंग, नो मोर हुकिंग। चलो प्रॉपर टाइम पे मैंने क्लच कर दिया। यूवी कहाँ गई? ओके, यूवी यहीं पर है। चलो ठीक है, इसको यहीं ड्रॉप करके मोरी करते हैं। ओके, आई एम सॉरी केट, बट गेट ओवर हियर, लेट मी मोरी यू। 1 2 3 4, बस हो गया। ओके, चलो अब केट को भी मोरी करते हैं। केट कहाँ है? केट नहीं, सॉरी, यू वी, बहुत ही कन्फ्यूजन है केट और यू वी में। चलो ठीक है, यहाँ पे तो मैं नहीं करने वाला, मैं केट के ऊपर यू वी को मोरी नहीं करने वाला। एक और नया लोकेशन पर ले जाते हैं, यहाँ पर मोरी करते हैं यू वी को। गेट ओवर हियर यूवी। यूवी का वैसे आउटफिट देखने के बाद तो P1 यूवी लग रही है, लेकिन ठीक है। चलो चारों के चारों कॉड मोरी मेरा हो गया। सो गाइज, अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना एंड कभी आप भी ट्राई करना ये वाली पर्क बिल्ड, स्पेशली रेथ के ऊपर। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड गाइज, एंड डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले, अंटिल देन बाय बाय।